बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका पेपर होने जा रहा है, सुबह सुबह ये भोपाल से पेपर आया हुआ था। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दें ताकि आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स के साथ ताकि सभी की हेल्प होने वाली है यहाँ पे। तो यही पेपर कल आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। तो इसको पूरा आपको तैयार कर लेना है। समय 3 घंटे का रहेगा और मार्क्स आपके 80 रहेंगे। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, इसको आपको पूरा रीड कर लेना है। फिर इसके बाद इस पेपर को आपको करना शुरू करना है। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा की तरह आपके लिए पैसेज देखने के लिए मिलने वाला है। तो पैसेज कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। तो ये पूरा पैसेज आपको रीड कर लेना है। ये 3 से 4 बार आपको करना है पूरा पैसेज घर पे। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे ये पेपर में आ पाएगा। यही क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो रट भी सकते हैं जो कि पैसेज में आने वाले हैं। इनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अभी के लिए मैं ओनली क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ABC दिया गया है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप देखते जाइए, यहाँ पर ई तक हमने कवर कर लिया है। ये पैसेज रहा पूरा, तो ये पूरा का पूरा पैसेज कल आपके लिए पूछा जाने वाला है। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। ये पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है, फिर इसके बाद आंसर देना है। तो ये पूरा पैसेज आपको केयरफुली पूरा रीड कर लेना है यहाँ तक। फिर इसके बाद आगे भी ये पूरा पैसेज दिया गया है। फिर इसके बाद बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सही विकल्प दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। तो बच्चों, इनके आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देखते जाइए, सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ जो कि आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है, तो यहाँ पे पैसेज को पूरा पढ़ना है। फिर से ये तीसरा पैसेज रहेगा जिसमें कि हमें पूरा पैसेज पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें नोट्स बनाने हैं और समरी। तो नोट्स मेकिंग एंड समरी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 वर्ड में समरी लिखनी है। तो यही समरी और नोट्स आपको बना करके आने जो कि ये पेपर में आने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। इसी का ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी ये पैसेज दिया गया है और इसमें भी हमें नोट्स एंड समरी बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नोट्स एंड समरी देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं। तो दोनों के दोनों आपको एकदम तैयार कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक दिए गए हैं। तो ये फिलिंदा ब्लैंक कुछ इस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 10 फिलिंदा ब्लैंक दिए गए हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यही आपके फिलिंदा ब्लैंक आने वाले हैं। इसके बाद डूअर्स डायरेक्टेड आने वाले हैं जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 6 रहेंगे, 6 में से आपको 5 करना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी आपको हार्ड लग रहा हो। तो मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फिलो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आप इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के मॉक पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक के बाद एक। क्लास 12th और क्लास 10th दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करो। एक तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया जाएगा। 8 में आपको पोएम पढ़नी है। पोएम पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रस्ट तक हमने पूरा पोएम का क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे ओनली यहाँ पे, तो दोनों के यहाँ पे आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे तो तीनों के आंसर देने हैं। 9वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें हमें NE7 करने हैं। यहाँ पे 5 दिए गए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 में से आपको 7 करने हैं, कोई 2 आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसमें हमें तीनों करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि दिए गए हैं, तो तीनों आपको रट लेने हैं। लास्ट यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, 250 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, तो ये 5ों क्वेश्चन आपको पूरे रट लेने हैं। यही कल आपके पेपर में आने वाला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।